Assalamualaikum my beautiful YouTube family. I hope everyone is doing good. सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे. वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो बाय अनाया उमर व्लॉग्स. आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. आप ये देखें, बादल आए हुए हैं अभी भी, और दूसरा अशरा भी ऑलमोस्ट एंड होने को है, और पता ही नहीं चला रोज़े कब शुरू हुए और अपने एंड्स की तरफ जा रहे हैं. आखिरी अशरा शुरू होने वाला है रमज़ान का, और जो है अल्लाह की रहमत है कि इतना अच्छे मौसम में रोज़े गुजर रहे हैं. टाइम्स एग्जॉस्ट फील ज़रूर करती हूँ, लेकिन रोज़ों का तो ना भूख का ना प्याज का कुछ पता ही नहीं लग रहा है. एनी वेज आज की वीडियो में क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो में पहले चलते हैं किचन में अफ्तारी की प्रेप करते हैं, और जो है उसके बाद मैंने आपको कुछ ड्रेसेस टेलर से स्टिच होकर आ गए थे, तो आज मैंने आपको वो लाज़मी इस वीडियो में दिखाने हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, लेट्स गो टू किचन फर्स्ट एंड देन विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स. बिफोर गोइंग टू किचन आई थॉट कि जो इस मॉर्निंग की जो स्किन केयर होती है, जो कि बिल्कुल मिनिमल सी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, आपसे वो शेयर कर दी जाए. सबसे पहले जो अपने जो है फेस पे कोई भी आप मिस्ट अप्लाई कर सकते हैं. मैं मिस्ट जो है रोज़ वाटर अप्लाई करती हूँ, एक स्प्रे बॉटल में रखा है, और इस तरह से ये मैंने दराज से परचेज किया था ह्यूमिडिफायर स्प्रे बॉटल जो है ऑटो, इसको बस ऑन कर दूँ और आपके जो फेस पे जो है ना हल्की हल्की सी स्टीम टाइप ये रिलीज़ करेगा. आज मेरे जो है फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई, आई कैन फील दैट, आई डोंट नो वाई, मे बी नींद पूरी नहीं हो रही काफ़ी दिन से या सम अदर रीज़न. एनी वेज़ यहाँ पर जो है इसके बाद मैंने सीरम अप्लाई कर लिया. सीरम अप्लाई करने के बाद मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया. मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके उसको थोड़ा सा स्किन में अब्जॉर्व होने दूँगी फॉर कपल ऑफ मिनट्स. उसके बाद जो है सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, और सनस्क्रीन आपने डेली बेसिस पे रोज़ाना अप्लाई करनी है. ऑल दो वेदर जो है सनी है या नहीं है, इवन यू आर इनसाइड, तब भी आपने सनस्क्रीन का यूज़ लाजमी करना है, बिकॉज आपकी जो यू वी रेज हैं वो आपके घर की वॉल्स को पेनिट्रेट करके अंदर तक आती हैं, और आपकी स्किन को जो है सन की जो यू वी रेज हैं वो डैमेज कर सकती हैं. इसके बाद हल्का सा टेंट एंड लिपस्टिक, दैट्स इट. दिस इज़ डेली रूटीन जिसको जो है मॉर्निंग में मैं जो है रेगुलरली फॉलो करती हूँ. उसके बाद बालों को ब्रश कर लिया और हल्का सा जो है परफ्यूम लगा लें. परफ्यूम जब आप लगाएं कोई भी अप्लाई करें, ये हल्का सा मैं आपको छोटा सा हैक दे रही हूँ कि आप जो है वेज़लीन लें. वेज़लीन को जो अपने जो हल्की सी आपके ईयर्स के बैक जहाँ पे थिन स्किन होती है उधर, और जो है इस तरह से आर्म्स पे अप्लाई करके फिर आप अपना जो भी फेवरेट परफ्यूम है वो अप्लाई करें, तो इससे क्या होगा, ये जो स्मेल है परफ्यूम की वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और बहुत देर तक आपके पास से जो है ना अच्छी सी खुशबू आती रहेगी. किसी भी परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट हैक है. अब आ जाते हैं किचन में. किचन में अफ्तारी में क्या बन रहा है, अफ्तारी में जो है मैंने नेबर्स में अफ्तारी भेजनी थी, ये एक दिन पहले के क्लिप है, आज के क्लिप नहीं है जो आपसे शेयर कर रही हूँ. इस दिन जो है मैंने काफ़ी सारी अफ्तारी बनाई थी, लाइक बिरयानी बनाई थी, इसके अलावा क्रीम फ्रूट सैलड बनाई थी, उसके अलावा मैंने बनाई थी बिरयानी, उसके अलावा ये कुकीज़ बनाई थी जो कि अभी आप देख रहे हैं इन प्रोग्रेस हैं, इसके अलावा मैंने कबाब भी बनाए थे जो कि मैं फ्राई करके साथ भेजना भूल गई, ये सब टाइम्स होता है. उनको मैंने बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ किया है, और जब मैंने अफ्तारी भेज दी सब जगह तो मुझे फिर याद आया कि हो वो कबाब तो फ्रीज़र में रह गए हैं. और ये जो है ना मैं डबल चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ, डबल चॉकलेट कुकीज़ बना रही हूँ. इसमें जो है एक तो चॉकलेट के चंक्स जाएंगे, इसमें चॉकलेट चिप्स नहीं जाएंगे, चॉकलेट के चंक्स जाएंगे. उसके अलावा जो है इसमें प्रॉपर जो है ना नोटेला की फिलिंग होगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त यमी स्क्रमी कुकीज़ बनती है. इनको आप जो है ना बैटर को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं. इफ़ यू वांट डिटेल रेसिपी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं आपसे आने वाले के दिनों में जो है फिर इसकी डिटेल रेसिपी भी शेयर कर दूँगी. बस बैटर बना के आपने फ्रिज में रख दिया, और जब आपको चाहे कुकी बनाने का हफ्ते की एक हफ्ते के लिए बैटर आराम से जो है ना फ्रिज में जो है स्टोर हो जाता है. उसके अलावा ये दही फुल्कियाँ जो बना रही हूँ डिस्पोजेबल बर्तनों में भेजने का मकसद ये था. जैसे मैं अफ्तारी भेज रही हूँ दे रिमेन कंफर्टेबल, उनको फ़ौरन से वॉश करके बर्तन वापस करने की जो है ना वो ना हो, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होता है हबर दबर का, तो आई प्रेफर कि मैं डिस्पोजेबल बर्तनों में जो है ना अफ्तारी को भेज दूँ. और बहुत ही ये बूंदी तो बहुत ही मज़े की बनी थी, सिंपल सी रेसिपी है इसकी, बट इसने मुझे बहुत ही मज़ा दिया. और ये चटनियाँ वही हैं जो मैंने आपकी रमज़ान को से प्रिप्रेप में शेयर की थी अपनी वीडियो में. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो और इस चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो यू कैन गो एंड चेक आउट. ये चटनी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है आपके दही भल्लों को, पकौड़ों को, और यू नेम एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ के साथ जो है ना इसको जो है वो इस तरह की चीज़ों के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जो है मेरी कुकीज़ आर इन प्रोग्रेस, ये कुकीज़ बन रही हैं, और आप देखें यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त किस्म की लग रही है ये बेक होते हुए.
और यहाँ पे ही हमारे अफ्तार टेबल की फाइनल लुक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरी थिंग, ऑल द ब्लेसिंग्स वी हैव। अब मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ जो कि टेलर से स्टिच होके आए थे। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो ये है ड्रेस नंबर 1 जो कि बिल्कुल वाइट में और मिनिमल इसमें जो है ना एसेसरीज़ और लेसिंग डिटेलिंग यूज़ की गई है। बिकॉज ये जो फैब्रिक आपको याद होगा मैंने रावी सेंटर में वीलॉग जो शेयर किया था वहाँ पे एक शॉप से परचेज़ किया था। इफ़ यू कैन सी क्लोजली तो इस पे जो है ना सेल्फ प्रिंट हुआ हुआ है। तो इसको मैंने जो है जुमातुल विदा के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करा था, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल मिनिमल और जो है ना ईजी टू वेयर डेली वेयर के लिए। मैंने क्या किया है सिर्फ ये जो नहीं होता लप्पा, लप्पा कहते हैं इसको, फीता कहते हैं, सिल्वर कलर में वो लिया है और फ्रंट पे इसके ये जो है समोसे वाला जो है थोड़ी सी वो ये वाली इस तरह की लेस ली है। सारी जो है ना डिटेल मैंने भी लोग आपसे शेयर किया था कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। ये बटन्स भी मैंने उधर ही शॉप से लिए थे। ये पूरा एक बटन था जो कि बटन की ये क्या कहते हैं पट्टी थी एक, इसको मैंने लेके यहाँ पे लगवाया है। गला इस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है, ये बिल्कुल मिनिमल सा और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। जब इसको मैं स्टाइल करूँगी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें अगर नहीं किया, उस पर मैं काफ़ी सारी स्टाइलिंग और इस तरह की डिटेलिंग वीडियोज़ जो है ना शेयर करती हूँ डेली बेसिस पर। तो ये देखिए आप 3 ये लगे हुए हैं, फिर ये फ्रंट पर लेस है, गले पर जो सेम लेस है गले का ये स्टाइल बनाया गया है। अब बारी आ जाती है इसके ट्राउज़र की। ट्राउज़र पे भी अगेन मैंने सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र पैंट्स बनवाई हैं इसकी, और इस तरह से ये सिल्वर वाला जो लप्पा है इसको 3 दफ़ा इस तरह से राउंड में लगवा लिया है ट्राउज़र के पैंचों पे नीचे से थोड़ा सा गैप देके। ठीक है, ये हो गया। अब जो दुपट्टे की बारी आती है, मेरे पास ऑलरेडी एक दुपट्टा घर पर सिल्वर कलर का अवेलेबल था क्योंकि रमज़ान चल रहा है, आपको अक्सर इफ्तार पार्टीज़ पे भी जाना होता है और इस तरह की कोई गेट टुगेदर आ जाती है तो आप इस ड्रेस को फैंसी लुक दे सकते हैं। दिस इज़ द दुपट्टा जो कि मेरे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल था। मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा देती हूँ, इसके साथ मैं इसको कैरी करूँगी इंशाल्लाह। इस पर सारा ये देखें सिल्वर काम हुआ हुआ है, सिल्वर जो है घोटा किनारी टाइप कह लें ये लगी हुई है सारी। तो ये हो गया दुपट्टा इसका। अब मैं ज़रा आपको इसकी एक क्लोज लुक जो है ना अगेन फुल लुक दिखा देती हूँ क्या है। अच्छा, ये जो वाइट वाला ड्रेस है ना जो मैं आपको भी दिखाया है दिस वन, इसकी ये जो लेसेस थी सारी की सारी दोज वर इन 350-400 में मुझे ये जो है ये वाली भी और ये वाली भी लेस मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद जो इस पर मैंने बटन लगाए हैं ना दीज बटन, ये जो बटन है 350 में मिले थे। अब इसकी बारी आ जाती है स्टिचिंग की। स्टिचिंग इस पे मैंने जो है 1600 मेरी स्टिचिंग की कॉस्ट आई है। सो मेरा ये जो पूरा सूट है दैट इज़ इन 4500 में ये पूरा वेट स्टिचिंग अलॉन्ग विद एवरीथिंग प्रिपेयर हो चुका है। और यस, इसके दामन पे भी मैंने इस तरह से ये जो है लेस लगाई हुई है समोसे वाली। सो बजट में रहते हुए आप बहुत ही अच्छा आउटफिट डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाई ब्रांड्स पर जाके जो है फैब्रिक खरीदेंगे तभी आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, आपको लोकल मार्केट से भी बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं और उनको आपने डिज़ाइन कैसे करना है, स्टाइल कैसे करना है, दैट्स योर माइंड गेम। आउटफिट की तरफ, नेक्स्ट आउटफिट जो है मैंने, आपने अगर मेरा पिछला वीलॉग F10 वाला देखा होगा सो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग मैंने उधर से एक पीला लड्डू कलर येलो कलर खरीदा था, दैट इज़ दिस वन। अब इसको भी मैंने बहुत ही सिंपल और एलिगेंट वे में डिज़ाइन किया है। एक तो मैं इसको जो कैरी करूँगी दैट विल बी ऑन ईद, फर्स्ट डे तो नहीं, फर्स्ट डे का मेरा ड्रेस आया नहीं वरना मैं आपको वो भी दिखा देती, इस पर जो कि नहीं आया अभी। आई विल कैरी इट ऑन ईद सेकेंड डे इंशाल्लाह या रमज़ान में किसी अफ्तार पार्टी पर, तो मैं आपको स्टाइल करके ज़रूर दिखाऊँगी। बट अभी इसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ मैं आपको। लिटरली इतना मज़े का कोई ये ड्रेस स्टिच हुआ है ना, आपको मैं दिखाती हूँ और जब मैं इसको पहन के कैरी करूँगी इंशाल्लाह तब भी आपसे शेयर करूँगी। ये देखें इसके गले पे ये लेस लेके मैंने इस लेस से डिटेलिंग कराई है। ठीक है, सिंपल गला है, सिंपल फैब्रिक है, मैंने सिर्फ ये गले पे और बाजुओं पे इसके लेस जो है ना वो लगवाई है, 3/4 स्लीव्स बनवाई है इसमें। आपको याद होगा मैं F10 जब गई थी तो मैंने 2 डिफरेंट किस्म का फैब्रिक लिया था उस शॉप से, ये वाला एक लाइनिंग में था और ये मैंने वाइट लेके डाई कराया था। अगर नहीं देखा तो आप मेरा वो वीलॉग जाके चेक करें, आपको सारी जो है फैब्रिक की डिटेल उसमें से मिल जाएगी। ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर जो है अगेन ये जो स्लीव शर्ट का पैच है ना उससे जो है ये डिटेलिंग की गई है। अब इसका दुपट्टा मैंने थोड़ा सा इसको फैंसी लुक देने के लिए इसका दुपट्टा जो है इस तरह से मैंने थोड़ा ये देखें सिल्वर कलर का दुपट्टा पे जो है ना, सॉरी सिल्वर नहीं, ये जो लेस की डिटेलिंग है ना ये देखें लेस की जो डिटेलिंग है उस तरह का जो है इस पे
हल्का सा जो है फ्लावर्स बने हुए हैं, बूटी बनी हुई है दुपट्टे पे भी। तो और दुपट्टे को जो है ना मैंने इस तरह से ये देखें, इस पे मैंने ये पीको करा ली है, वाइट मोतियों वाली जो मोटी पर्ल्स जो है इस पे लगे हुए हैं ना शर्ट की लेस पे, उसी की जो है डिटेलिंग मैंने इस पे दुपट्टे के साइडों पे चारों तरफ पे। ये देखें, ये इसकी मैं अब आपको फुल लुक दिखाती हूँ, सिर्फ गले और बाजुओं पे इसकी डिटेलिंग हुई हुई है। दुपट्टा ये रहा इसका, ये रहा इसका ट्राउज़र, और कलर इसका बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही जो है ना खिला खिला और ब्राइट है। और ये हम जो एशियन टोन्स कॉम्प्लेक्शन होते हैं टोन उस पे इस तरह के कलर जो है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको मैं ये दिखाती हूँ रख के साथ ना, इंशाल्लाह आपको ये स्टाइल करके भी पूरा आने वाले दिनों में दिखाऊंगी। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करने का पड़ना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करना पड़ेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट ड्रेस जो है मैंने ये बिल्कुल प्लेन फैब्रिक तारकशी लॉन जिसको कहते हैं ये लिया था लाल कुर्ती में, लिबास फैब्रिक की शॉप है उनसे। मैंने इसको बिल्कुल मिनिमल सा जो मैंने लिया था ये फैब्रिक, मेरे माइंड में यही था मैं इसको बिल्कुल मिनिमल सा रखूँगी। इसके ये जो आप देख रहे हो कि आजकल धागे निकालते हैं ना, लेकिन ये मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट लग रहा है, फेल हो जाएगा क्योंकि ये उतनी फाइन लुक नहीं आई। व्हाट यू कैन डू इज़ ऑर्गेन्जा के पैच लेके ना आप उस पर ये काम कराइएगा, उसी कपड़े का कॉटन का ना करवाइएगा, ये कॉटन में अच्छी इसकी लुक नहीं आई। मैंने करा लिया है बट चलें क्योंकि मेरा एवरीडे वेयर ड्रेस है ये तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप इस तरह का कराना चाह रही हैं ना, इस तरह के स्टाइल्स आजकल मार्केट में मार्केट कह रही हूँ ड्रेसेस में बहुत इन है, तो धागे निकलवा लें आप। मैंने आपको जो पिछला व्लॉग शेयर किया था ना कमर्शियल मार्केट के, जिसमें मैंने शॉपिंग लेस की डिटेलिंग दिखाई थी, वहाँ पर एक शॉप है जो ये प्रॉपर ऑर्गेन्जा पे जो है ना वो भाई बना के दे रहे हैं कलर, आप उनके पास ले जाएं मैच मैच मैचिंग कलर ले जाएं, वो ऑर्गेन्जा पे आपको ये पैच इस तरह से डिज़ाइन। तो ये जो बिल्कुल ड्रेस है मिनिमल सा ड्रेस है ये देखें, ये इसकी जो है फ्रंट है, ये नेक है, इसका गला हल्का सा बैंड वाला बैंड इस पे गले पे पट्टी लगी हुई है सेम फैब्रिक की, देन ये स्लीव्स हैं पूरे जो है ये स्लीव्स पे और इसके ट्राउज़र पे और दामन पे, तीनों जगह जो है ये धागे इस तरह से निकाल के इसको स्टाइलिंग की गई है प्लेन बिल्कुल आउटफिट को, इसको मैंने रखा है। और ये अगेन बहुत खूबसूरत लग रहा है, दुपट्टा इसके पास ऑलरेडी इसके इसका जो दुपट्टा है ऑलरेडी मेरे पास घर पे अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैंने आपसे बिल्कुल मिनिमम जो ड्रेसेस हैं जिन पर हल्की सी डिटेलिंग है या लेसिंग की गई है वो शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह, उसमें प्रॉपर ईद वाले जो आउटफिट्स हैं मैं आपको वो दिखाऊँगी। आइडिया देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जो है अफोर्डेबल शॉपिंग कर सकते हैं लोकल मार्केट से, उनको डिज़ाइन और स्टाइल करना सारी इज़ योर माइंड गेम, आप में कितनी क्रिएटिविटी और उनको आप कैसे स्टाइल करते हैं। मौसम चेक करें इधर कितना हसीन मौसम हो चुका है और बारिश हो रही है इस वक्त, सुभान अल्लाह अल्लाह की कुदरत है। एनी वेज यहाँ पर आज का मैं अपना वीलॉग करूँगी एंड आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इधर जो है आंधी वाला सीन भी ऑन हो चुका है, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।